हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक लोग की डिमांड पे मैंने बनाया है। एक लोग का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था कि प्लम्बर के ऊपर क्वेश्चन बनाई है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। आप लोग एक बार पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है, जो कि पूछा ही जाता है इंटरव्यू के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूजीटी और ओएसटी की कैपेसिटी क्या है। तो यूजीटी क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक होता है। ओएसटी क्या होता है? ओवरहेड टैंक होता है। यूजीटी के अंदर हमारे कौन कौन टैंक आते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा फायर टैंक हो गया, फायर टैंक 1-2, रॉबर्ट टैंक 1-2, फ्लशिंग टैंक हो गया, सॉफ्टनर टैंक हो गया, ठीक है। और ओएसटी की टैंक क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है? तो ओएसटी ओवरहेड टैंक जो होता है उसमें फायर टैंक पहले आता है और बाकी जो टैंक होते हैं जैसे फ्लशिंग हो गया, सॉफ्टनर हो गया, वो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 20 से 60 KL के बीच में होती है। ये आपको बोलना है। जैसे 20 KL का डोमेस्टिक हो गया, 20 KL का फ्लशिंग टैंक हो गया, 40 KL का सॉफ्टनर टैंक हो गया, तो ये होती कैपेसिटी, ठीक है। और नॉर्मली जो आपको पूछेगा रॉबर्ट टैंक जो होते हैं वो कितने कैपेसिटी के होते हैं, तो आप बोल सकते हो वो 2-2 लाख लीटर के हैं, 3 लाख लीटर के हैं, ठीक है। अब है पंप रूम में कितने टैंक हैं। तो पंप रूम में पहला तो फायर टैंक हो गया, रॉ वाटर टैंक हो गया, डोमेस्टिक वाटर टैंक हो गया, फ्लशिंग वाटर टैंक हो गया, सॉफ्ट वाटर टैंक हो गया। ये आपको बताना है, एक एक करके नाम बताना है। टैंक क्लीन कब करते हो? तो इस क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टैंक क्लीन कब होता है। तो टैंक क्लीनिंग का जो काम होता है, जैसे ओवरहेड टैंक की बात करें, ठीक है, तो इसका शेड्यूल जैसे होता है 6 महीने में एक बार होता है, ठीक है दोस्तों। और हमारा यूजीटी टैंक हो गया, इसको साल में एक बार हम लोग करते हैं, ठीक है। अब वो पूछेगा कैसे करते हो टैंक क्लीन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तो आपको बोलना है पहले हम टैंक को मिनिमम लेवल तक ले आते हैं, ठीक है, पानी कम से कम कर लेते हैं, फिर उसको हम सम पंप से दूसरे टैंक में ड्रेन कर लेते हैं, दूसरे टैंक में करते हैं। ये मत कहना कि पानी को बहा देते हैं, क्योंकि और जैसे वैसे भी हम लोग जो हमारा टैंक होता है यूजीटी टैंक होता है, ठीक है, यूजीटी टैंक होता है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, पानी को कम लेवल करके दूसरे टैंक में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है कि पानी को वेस्टेज नहीं करना है, पानी को और कहीं भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, बोरवेल वाटर सबसे पहले कौन से टैंक में आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये होता है कि बोरवेल का पानी जो होता है पहले आता है फायर टैंक में, क्योंकि फायर टैंक जब पानी भर जाता है उसका ओवरफ्लो हो गया तब हमारा रॉ वाटर टैंक में आता है। क्योंकि अगर फायर टैंक में नहीं जाएगा पानी, अगर कोई इंसिडेंट हो जाएगा फायर से रिलेटेड, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले पानी फायर वाटर टैंक में आता है, उसके बाद फिर जाता है रॉ वाटर टैंक में। पंप रूम में कितने पंप लगे होते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, पंप रूम में कितने पंप लगे होते हैं। पंप रूम में जैसे फायर कट पंप होते हैं, ठीक है, डीजल पंप हो गया, स्प्रिंकलर पंप हो गया, मेन हाइड्रेंट पंप हो गया, जॉकी पंप हो गया, सॉफ्टनर फीड पंप हो गया, डोमेस्टिक वाटर टैंक पंप हो गया, ये सब की 2-2 यूनिट होती है, ठीक है, एक वर्किंग होता है, एक स्टैंड बाई भी होता है। ये आपको बोलना है पंप ऑपरेटर की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है, जो ऑपरेटर होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है। उसकी ड्यूटी होती है जब वो, चाहे वो ए शिफ्ट का हो, चाहे बी शिफ्ट का हो, चाहे जनरल शिफ्ट का हो, ठीक है, जब वो ड्यूटी पे आता है, ठीक है, पहले तो उसको ड्यूटी पे आने 15 मिनट पहले आना चाहिए ड्यूटी पे, ठीक है, ताकि वो अपने रिलीवर से मिल सके। जब रिलीवर से मिलेगा, ठीक है, फिर मिलने के बाद वो सारे टैंक की कंडीशन चेक करेगा, टैंक लेवल प्रॉपर है कि नहीं, टैंक लेवल उसके बाद फिर अपने शिफ्ट इंचार्ज से मिलेगा, ठीक है, फिर पंप की कंडीशन चेक करेगा, कौन सा वर्किंग है, कौन सा कितनी देर तक चलना है, ठीक है, ओवरहेड टैंक में पानी कितना है उसका लेवल चेक करेगा,
अगर कोई भी काम नहीं है एक्स्ट्रा तो वो अपनी लॉग बुक मेंटेन करेगा, ये सब देखना होता है उसको। अब हम बात करते हैं सॉफ्टनर की कैपेसिटी क्या है। नॉर्मली सॉफ्टनर की कैपेसिटी हम लोग बताने में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना है OBR होता है ना, आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन। तो अब आप बोल सकते हो 3 लाख लीटर, 2 लाख लीटर, जितना आपकी पंप जो हो आपको, ठीक है, सॉफ्टनर वो आप बता सकते हो। रेजिन कितना है, तो रेजिन आप बोल सकते हो 3000 kg का है, 2000 kg का है, जितना आपका लगा होता है। स्ट्रेनर कितने प्रकार के लगे होते हैं, नॉर्मली जहाँ तक मैं देखा हूँ स्ट्रेनर हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक हॉट स्ट्रेनर होते हैं, एक वाई स्ट्रेनर होते हैं। वाई स्ट्रेनर कहाँ होते हैं, ऑनलाइन लगे होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर टैंक भरे होते हैं वो ऑनलाइन लगे होते हैं। हॉट स्ट्रेनर हमारे फायर पंप हाउस में लगे होते हैं, रूफ के टैंक होते हैं वहाँ पे। फिल्टर को बैक वॉश कब करते हैं, फिल्टर को बैक वॉश तब करते हैं जब प्रेशर उसका 0.5 kg डिफरेंस आ जाए। जैसे आपका प्रेशर 3 kg है, अगर 2.5 kg आ जा रहा है तो हम लोग फिल्टर को बैक वॉश करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सम पिट में क्या क्या चेक करते हो। सम पिट में हम क्या चेक करते हैं, क्योंकि सब सम पिट जो होता है वो बेसमेंट में लगा होता है, बेसमेंट में होता है, ठीक है, और बेसमेंट में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ियों की पार्किंग में, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सम पिट का जो सेंसर होता है, ठीक है, उसको उल्टा करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर सम पिट की इसमें अगर हम उल्टा करेंगे तो पंप हमारा चल जाएगा, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका पंप वर्किंग है कि नहीं, ठीक है, ये करना है। नमक चढ़ाने के लिए सॉफ्टनर में कौन सा यंत्र है, नमक चढ़ाने के लिए सॉफ्टनर में जो लगा होता है ना वो यंत्र होता है इजेक्टर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग मेन पंप चला के नमक चढ़ाते हैं, ठीक है। FTA MTA क्या है, FTA जो होता है हमारा फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर होता है, MTA होता है मेन मेल थ्रेडेड एडाप्टर, ठीक है। WC पॉइंट दीवार से कितनी दूर होता है, जो WC पॉइंट होता है हमारा वो नॉर्मली 16 से 18 इंच पे छोड़ा होता है, ठीक है, जो आपकी सीट होती है बाथरूम में उससे बीच पीछे गैप होता है ना वो 16 से 18 इंच होता है गैप, ठीक है। यूनियन क्यों लगाते हैं, यूनियन जरूरत पड़ती है GI पाइपलाइन में पड़ती है, ठीक है, नॉर्मली। कितने TDS का पानी पीना चाहिए, नॉर्मली दोस्तों 5 और 10 TDS के पानी में मिनरल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसको पीने का फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग पीते हैं जो पानी 70 से 120 तक के TDS के पानी सही है पीने के लिए, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। PPM MG पर लीटर में क्या अंतर है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि PPM जो होता है, एक PPM जो होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, एक लीटर में 1 MG होता है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। तुमने कौन कौन से पाइप पे काम किया है, तो आप इसमें बता सकते हो कि मैंने MS की पाइप में किया है, UPVC की पाइप में किया हुआ है, HDPE के पाइप में किया है, GI पाइप हो गया, CPVC पाइप हो गया, ठीक है, ये सब पाइप में आप काम कर चुके हैं, ये बता सकते हैं आप। टॉप फ्लोर के पानी की सप्लाई मेन लाइन में क्यों नहीं जोड़ते हैं, अगर हम मेन लाइन पर जोड़ देंगे टॉप फ्लोर की सप्लाई तो हमारा प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग टॉप फ्लोर की पानी की सप्लाई मेन लाइन में नहीं जोड़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मेरा अगला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।